बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और संगीतकार बप्पी दा का मुंबई के जुहू में क्रिटिक केयर अस्पताल में निधन हो गया है। बप्पी लहरी 69 साल के थे। बप्पी दा पिछले काफी वक्त से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज क्रिटिक केयर अस्पताल में चल रहा था। रात करीब 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। सत्ताईस नवंबर 1952 को कोलकाता में जन्मे बप्पी दा ने अपने अलग अंदाज की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई थी। बॉलीवुड को 70 के दशक में डिस्को और रॉक म्यूजिक से रूबरू करवाया था। बप्पी दा को सोना पहनना और हमेशा चश्मा लगाकर रखना बेहद पसंद था। गले में सोने की मोटी मोटी चेन और हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियां समेत सोने के ढेर सारे गहने पहनना उनकी पहचान थी। 12 बंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े कंटेनर में पीछे से जा घुसी तेज रफ्तार कार हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत। जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़े। गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था परिवार। अयोध्या के बरवा गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी लोग। नेशनल हाईवे 28 पर नारायणपुर गांव के पास हादसा हुआ। मैनपुरी के करहल में केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल के काफिले पर हमला हुआ है। पथराव और लाठियों से किए गए हमले में बघेल की गाड़ी का शीशा टूटा। बाल बाल बचे मंत्री। करहल सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं बघेल। केंद्रीय मंत्री बघेल ने बताया वो कबराई से आती कुल्लापुर होते हुए करहल जा रहे थे, तभी रास्ते के बीच में अचानक कुछ लोग खेतों से निकल आए और हमला कर दिया। वो अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कबरई होते हुए करहल आ रहा था बाया अतिकुल्लापुर, तो कबरई अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:30 या 7:45 में होंगे। अंधेरे में खेतों में से लोग निकल के आए, अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और उसमें से एक आदमी ने कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, तुम हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ते हो जिन्होंने तुम्हें सांसद बनाया, और उसने और 30 लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया मेरी गाड़ी पर। एसपी सिंह बघेल पर हमले को लेकर आज भाजपा कर सकती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। मंगलवार शाम करहल में बघेल के काफिले पर पथराव हुआ था। भाजपा नेताओं ने हमले को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आज चौथे फेज के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज सीतापुर में करेंगे विशाल जनसभा। कई विधानसभाओं की संयुक्त रैली को करेंगे संबोधित। तीसरे चरण के लिए आज बुंदेलखंड का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हमीरपुर राज महोबा में जनसभाओं को कर वोटों की अपील करेंगे। झांसी में रोड शो करेंगे। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश का 4 जिलों में तूफानी प्रचार है। कानपुर देहात, उरैया, कन्नौज और फर्रुखाबाद का करेंगे दौरा। जनसभा के लिए करेंगे ताबड़तोड़ प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कानपुर शहर में रोड शो करेंगी। किदवई नगर, सीसामऊ, आर्य नगर और गोविंद नगर विधानसभा में रोड शो कर प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील करेंगी। लखनऊ में मायावती की चुनावी जनसभा आज। लखनऊ मंडल के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। दोपहर 1:30 बजे होगी मायावती की जनसभा। आशियाने के स्मृति उपवन में जनसभा का आयोजन किया जाएगा। सातवें और आखिरी चरण के लिए आज नामांकन का आखिरी मौका है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई दिग्गज आज दाखिल करेंगे अपना पर्चा। वाराणसी की रोहनिया सीट पर सपा भाजपा दोनों ने अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया। संत रविदास की 654वीं जयंती आज। वाराणसी में पंजाब के सीएम चन्नी सुबह रविदास जन्मस्थली पहुंचे। संत रविदास के मंदिर में टेका मत्था। चुनाव खत्म होने के बाद मंदिर में माथा टेकने पहुंचे हरीश रावत। लाल कुआं के प्रसिद्ध सूर्य देवी मंदिर में की जीत की मनोकामना। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का किया दावा। उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से भी देर शाम तक लौटी पोलिंग पार्टियां। स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी में रखी गई ईवीएम। अब 10 मार्च को मतगणना के लिए निकाली जाएंगी ईवीएम।
लखनऊ में प्रचार के दौरान सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, काशी पर आतंकी हमला करने वाले, सीआरपीएफ कैंप रामपुर में आतंकी हमला करने वाले, लखनऊ वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने के लिए सपा की सरकार ने सत्ता में आने पर पहला फैसला लिया था। सीएम योगी ने कहा है कि हमने सत्ता में आते ही सबसे पहले प्रदेश की 86 लाख किसानों और 36,000 करोड़ का उनका कर्ज माफ किया था, प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, अवैध बूचड़खानों को बंद किया था और साथ ही एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन कर अवैध कब्जे भी हटवाए थे। सपा पर जुबानी वार करते हुए सीएम ने कहा, पिछली सरकार में हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगते थे, बाजारों में बमबाजी होती थी और समाजवादियों का नारा था, जो प्लॉट खाली है वो प्लॉट हमारा है। सीएम योगी ने कहा कि जिसने अवैध कब्जा किया उसके पीछे सरकार का बुलडोजर आया है, कहा आज हर बेटी बिना डर के स्कूल और बाजार जाती है, कहा आज कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा शानदार तरीके से निकलती है, कहा कि अब बमबाजी नहीं हर घर हर हर बम बम के जयकारे लगते हैं, यही नया उत्तर प्रदेश है। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार आती है, 500 वर्षों के अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद का समाधान हो जाता है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाता है, कहा सपा बसपा या कांग्रेस कोई भी मंदिर निर्माण नहीं कराना चाहती थी। सीएम योगी ने कहा कि विकास की पहली शर्त होती है सुरक्षा, सरकार ने बिना चेहरा जाति देके अपराधियों पर कार्रवाई की है, सीएम ने कहा है कि ये धमकी बाज कभी भी बाज नहीं आने वाले हैं। लखीमपुर हिंसा का आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हुआ, 10 अक्टूबर से जेल में बंद था आशीष। लखीमपुर के रिकांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, कई किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हो गई है। जमानत पर जेल से बाहर आया तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, 128 दिन बाद जेल से हुई है रिहाई, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आशीष मिश्रा। उन्नाव में युवती की हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, पहली और दूसरी रिपोर्ट में अंतर है, एफएसएल एक्सपर्ट का दावा है कि पहली रिपोर्ट में नहीं थे शव पर चोट के निशान, युवती के परिजनों ने की शव के दोबारा परीक्षण की मांग। चमोली में अचानक से मौसम बदलने से निचले इलाकों में बारिश तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई है बर्फबारी, घाट और साथ ही देवाल ब्लॉक में कनोल और बाण गांव में बर्फ पड़ने से बढ़ी है ठंड। जयपुर में रीट में धांधली के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने पानी की तेज बौछारों से बेकाबू कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। बिहार में बढ़ते अपराध बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश सरकार पर हमलावर है, एलजेपी नेता चिराग पासवान के समर्थकों ने पुलिस से भिड़ंत उनकी हुई है, गांधी मैदान से राजभवन जा रहे थे पासवान, पुलिस चिराग पासवान को हिरासत में लेकर थाने ले गई। सोनिया गांधी के करीबी पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, वो 14 साल से राज्यसभा सांसद थे, अश्विनी ने कहा कि आज पार्टी के ईमानदार और लोकप्रिय नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, इस बारे में नेतृत्व को विचार करने की आवश्यकता है। कनाडा में कोविड वैक्सीन को अनिवार्य बनाए जाने और लॉकडाउन लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है, पिछले 3 हफ्ते से ट्रकों और दूसरे वाहनों के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ओटावा की सड़कों को बंद कर रखा है, प्रदर्शनों को रोकने के लिए पीएम जस्टिन ट्रूडो ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। पूर्व कप्तान विराट कोहली मोहाली में ही अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे, टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 मार्च से मोहाली में शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग के दरमियान डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी नहीं रुके जैकलीन और टाइगर, बैक टू बैक दिए किसिंग सीन, कॉमेडी नाइट्स के एपिसोड में रेमो डिसूजा ने खोली पोल, कहा सीन में एक दूसरे के करीब आने के लिए बोला, दोनों ने एक्साइटमेंट में किया किस। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का दूसरा गाना अब हो चुका है रिलीज, गाना कानों को सुकून पहुंचाने वाला और रूह में उतरने वाला है। शाह
शाहिद कपूर, मृणाल ठाकुर की मोस्ट अवेटेड फिल्म जर्सी की नई रिलीज डेट सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म जर्सी 14 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे का नया पोस्टर रिलीज हो चुका है। इसमें खिलाड़ी अभिनेता का ऐसा अवतार सामने आया है जिसे शायद कभी ही किसी ने देखा होगा। काली और सफेद दाढ़ी मूंछ के साथ अक्षय का ये लुक आपको डरने पर मजबूर कर देगा। अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुत्ते की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी अर्जुन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से दी है। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा, आज मैंने अपनी 17वीं फिल्म पूरी कर ली है। और अब बात यूपी की तीसरी जंग की। यादव लैंड किसे किसके संग है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पहली लड़ाई जाट लैंड में थी, दूसरी लड़ाई मुस्लिम लैंड में हुई, अब तीसरे चरण की लड़ाई यादव लैंड में होनी है जहां 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस जंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों के द्वारा ताकत लगा दी गई है। भाजपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतरे हुए हैं तो दूसरी तरफ अपने गढ़ में अखिलेश यादव गरज रहे हैं। आज कानपुर धुआंधार प्रचार होगा लगातार, जहां एक तरफ भाजपा के चाणक्य अमित शाह थे, ये कल की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ कानपुर में कल चाणक्य अमित शाह भाजपा के थे तो दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। जंग को जीतने की होड़ मची हुई है, कौन जीतेगा 10 मार्च को तस्वीर साफ होगी। घबराओ नहीं, ये पहले चरण की लहर है जो दूसरे में और तेज हो गई। ये लहर समाजवादियों की है। यूपी के चुनावी दंगल में भाजपा के चाणक्य की हुंकार। देखो मैनपुरी वालों का हिसाब है, अखिलेश है तो तेल मिलने वाला है, मोदी जी आए योगी जी आए तो तेल मिलने वाला है। सपा के गढ़ में शाह की नजर पूरी होगी एक एक सीट की कसर। जोर से बोलो जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी में फिर से जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव की कमान भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने संभाल ली है। शाह की नजर सपा के गढ़ वाली उन सीटों पर है जहां पिछली बार भाजपा हार गई थी। इस कसक को पूरा करने के लिए शाह अपनी पूरी ताकत के साथ यूपी के चुनावी दंगल में ही उतर आए हैं। कानपुर की गलियों में उमड़ा जनसैलाब शाह के शक्ति प्रदर्शन का गवाह है। यहां के रोड शो में जितना सैलाब सड़क पर था उतना ही घर की बालकनी और छतों पर। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने कानपुर की 10 में से 7 सीट जीती थी, लेकिन प्रचंड लहर के बाद भी 2 सीट पर सपा और 1 पर कांग्रेस जीत गई थी। अब शाह की नजर सपा के गढ़ वाली सीटों पर है। यही वजह है कि शाह ने अपने रोड शो के लिए आर्य नगर और सीसामऊ की उन्हीं सीटों को चुना जहां पिछली बार सपा जीती थी। दरअसल अमित शाह को लगता है कि जिन सीटों पर भाजपा मजबूत है उन पर जोर लगाने से ज्यादा उन सीटों पर जोर देने की जरूरत है जहां भाजपा कमजोर है। ये शाह की वो चाणक्य नीति है जिसके जरिए भाजपा ने 2014, 2017 और 2019 में सारे जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था और इस बार शाह ने खुद चैलेंज लिया है, क्योंकि भाजपा ने शाह को चुनाव में सिर्फ पश्चिम और बिज की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब शाह अवध की लड़ाई में भी उतर आए हैं और अपने अटैकिंग अंदाज में सपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी यहाँ कट्टे और छगरे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। शाह जनता को बता रहे हैं कि अगर यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अनर्थ हो जाएगा, इसके लिए वो सुरक्षा की दुहाई देकर पुरानी सरकारों के कालखंड की याद दिला रहे हैं। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन
ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे भाई, घुसते थे हमें, घुसते थे जोर से बोलो, घुसते थे नहीं घुसते थे, हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उरी में हमला किया, 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। गौरतलब है कि अमित शाह की नजर तीसरे चरण के रण पर है, खास तौर पर कानपुर मंडल पर, जिसके 6 जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें भाजपा ने जीती जबकि सपा सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। कानपुर मंडल में औरैया, फरुखाबाद और कानपुर देहात वो जिले हैं जहां भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप कर दिया था। विपक्ष का खाता भी नहीं खुला था, यह शाह की सोशल गोलबंदी का ही नतीजा था। लेकिन इस बार सवाल बड़ा ये है कि क्या शाह 2022 में फिर से भाजपा को सिकंदर बना पाएंगे, क्या यूपी की चुनावी पिच पर भाजपा का चौका वो लगा पाएंगे, क्योंकि इस बार अखिलेश भी साइकिल को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।